दोस्तों नमस्कार, मैं ओपी शर्मा समस्या मुक्त भारत संगठन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का अगला पार्ट। तो आइए बच्चे, परसेंटेज को हम पढ़ते हैं अगले पार्ट में। आपका क्वेश्चन क्रमांक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है 29। चलिए 29 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि किसी परिवार में चावल मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 के रेशो में है। इन वस्तुओं के जो प्राइस है वो क्रमश 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार की इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब यहां से टोटल पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन किस बात को बोल रहा है, तो वन बाई वन मैं आपके सामने बोलता हूं। देखो, एक तो बात है चावल की बच्चे, एक बात है चावल की और दूसरी बात है मछली की और तीसरी जो बात है आपके सामने वह है खाद्य तेल की। ठीक है, अब यहां से पहले 12 है और यह है 17 और यह है सर 3। ठीक है, इसमें क्रमशः इसका 20%, इसका 30% और इसका है सर 50%। बच्चे इनमें इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव मार्क लगाना है। ठीक है, अगर इनमें इतना परसेंट इंक्रीज हो जाए तो परिवार पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। अगर आप इनका 20%, 30%, 50% निकालोगे तो वो दशमलव में आएगा और जो आपको प्रॉब्लम देगा। तो प्यारे बच्चों, जो आपका ये रेशियो में आता है तो आप किसी भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्यों ना हम इसे 0 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो सब में एक एक 0 लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। इसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो सर इसमें कितना बढ़ेगा, सर 24 हो जाएगा। और 24 का मतलब कितना सर, यहां से 24 का मतलब कितना भाई, इसका 24 का मतलब इसमें 24 प्लस कर दो तो ये 144 हो गया। सर इसका 30%, सर 17 से 51 होगा, 51 अगर इसमें मैं बढ़ा दूंगा, 51 इसमें मैं बढ़ा दूंगा तो 221 हो जाएगा। ठीक है सर, इसमें कितना 15 तो ये सर 45 हो जाएगा। समझो बेटा, इसका 20% निकाला तो 24 इसमें प्लस कर दिया, 144 हो गया। 17 से 51 इसमें 30% प्लस किया तो इसका 30% कितना हुआ 51, और 51 इसमें जोड़ा तो ये 221 हो गया। सर इसका 15 इसमें जोड़ा तो कितना निकल गया 45। ये बताओ प्यारे बच्चों इनका टोटल कितना आएगा। तो ये तो हो गया 200, 320, ये टोटल हो गया बेटा 320 और इन तीनों का टोटल कितना हो गया 1, 2, 3। तो बोलो बेटा यहां से टोटल होगा सर 4 और 5 और 5 10 पावर लगी एक, ये 5 और 2 7 और 4 11 एक पावर लगी एक, 2 और 1 3 और 1 4 ये कितना 10 हो गया सर, ये 410 हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये 320 था और ये 410 हो गया, तो 320 से 410 हो गया तो कितना बढ़ गया सर, 90 बढ़ गया। और 90 किस पर बढ़ गया सर, 90 किस पर बढ़ गया, 320 पर बढ़ गया। और परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, 100 से करेंगे। तो बताओ 0 से 0 और 4 से 8 बार, 4 से 25 बार, 25 9 में 225, तो 225 बटे 8 करोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और बच गया कितना 6 8 8 64, 1/8 आपका आंसर आएगा। आंसर यू विल गेट ओनली 4/28 सही, 1/8 आपका फाइनल आंसर होगा। प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को इस तरीके से करोगे तो बहुत आसान वे में जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट इसका 20% निकालोगे तो ये आपको पता होना चाहिए 2.4 आएगा, वो आपको समस्या में डाल देगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉर्ट आउट करें। प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये ध्यान से देखिए। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। देखो बच्चे, इसमें बोला बॉयज और गर्ल्स की यहां से कंपैरिजन कराया जा रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तो ये लड़की ज्यादा है 20%। जब परसेंट में पॉजिटिव मार्क बोले अधिक है तो इसको आप 100 मानो तो इसको आप 120 मानोगे। ठीक है, इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, तो टोटल जो है ना कुल
कुल इसमें टोटल 66 विद्यार्थी है ओके, और कक्षा में चार लड़कियां और आ गई। अगर इस कक्षा में चार लड़कियां और आ जाएं तो लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या हो जाएगा? प्यारे बच्चों पहले तो इसका सही रेशियो निकालिए सिंप्लीफाई करके, 5 और 6 ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं इनका टोटल करता हूं, सर मैं इनका अगर टोटल कर देता हूं तो टोटल करने पर कितना आएगा? 6 और 5 कितना? सर 11 आया। बच्चे एक बात बताइए कि बॉयज और गर्ल्स टोटल रेशियो का जो टोटल है वो 11 है और वास्तविक संख्या टोटल कितना है? सर 66 है। तो 11 रिप्रेजेंट करता है 66 को। अरे 11 रिप्रेजेंट करता है 66 को, अरे 11 बच्चे का मतलब 66 है तो एक बच्चे का मतलब 6 होगा। अगर एक का मतलब 6 है, एक का मतलब 6 है तो 5 का मतलब कितना होगा? सर 30 होगा और यहां कितना होगा? 36। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर चार लड़कियां और आ जाए, अगर चार लड़कियां और आ जाए, अगर इसमें चार लड़कियां और आ जाएं तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? तो सर आपका बॉयज तो है, बॉयज तो आपके पास है 30 और चार लड़की आ गई तो 40 रेशियो हो गया 3:4 आंसर। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर होगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से करें ताकि आपको बहुत ही मजबूती मिलेगी, क्वेश्चन का आंसर देने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि कर दी गई फिर पुनः उसमें 10% की कमी कर दी गई, प्यारे बच्चों तो आखिरकार उसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? अब किसी संख्या में मैं मान लीजिए पहली बारी बढ़ाता हूं फिर दूसरी बारी कम करता हूं तो उसका इफेक्ट सोचना होगा। लेकिन बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को आप कई प्रकार से कर सकते हो, सोचने के लिए आपको वक्त नहीं होता तो आप इसमें सोचना कम करें और इस क्वेश्चन को करने का ज्यादा प्रयास करें। मेरे पास एक तो 20% पॉजिटिव हुआ और एक 10% नेगेटिव हुआ, तो प्यारे बच्चों इसका यहां से क्या होगा? यहां से इसका हिस्सा क्या बनेगा? सर 1/5 बनेगा, इसका हिस्सा 1/10 बनेगा। तो इसको मैं ऐसे यहां से दिखा सकता हूं, अगर यहां से एक संख्या 5 है और 5 में अगर 1 बढ़ रहा है तो वो क्या होगी? सर 6 होगी। अगर एक संख्या मैंने 10 मानी और अगर कम हो रहा है तो 10 में से 1 घटा दो, क्या होगा? सर 9 होगा। प्यारे बच्चों ये 50 हो गया और ये कितना हो गया? 54। आखिरकार इसमें कुछ इंक्रीज हुआ क्या? सर 4 इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 4। 50 से 54 होने में 4 बढ़ गया। किस पर बढ़ा? सर 50 पर। परसेंट बढ़ाने के लिए 100, 50 × 100, आखिरकार 8% आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इस प्रारूप के अंदर लेके जा सकते हो, प्यारे बच्चों इस प्रकार से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इसमें कह रहा है सर किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी कर दी गई। अब की बार 10% की कमी कर दी गई है, अब की बार आपके सामने 10% की कमी कर दी गई है और उसकी खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त राजस्व में परिवर्तन कितना हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, राजस्व में क्या हो जाएगा? एक तो 10% नेगेटिव और एक 10% पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन का पहले इसका हिस्सा बनाइए 1/10, इसका भी हिस्सा बनाइए 1/10, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, अगर एक अब यहां से एक की उसमें कमी हो रही है, ऐसे मानो 10 है 10 में एक की कमी होगी तो संख्या क्या कहलाएगी? सर 9। और अगर 10 है एक बढ़ेगा तो दूसरी संख्या कहलाएगी सर 11। प्यारे बच्चों ये 100 होगा और ये 1199 होगा। तो ये बताइए जब 100 पर कमी हो या वृद्धि उसको डायरेक्ट परसेंट बोल सकते हैं, तो बताइए यहां पर कितने परसेंट की कमी हो गई? सर 1% की कमी हो गई, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चनों को आप कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बिना थॉट प्रोसेस के और बहुत ही कम समय के अंदर सॉल्व करोगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस बात को समझें, ठीक है। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन 33 नंबर में देखिए क्या दिया गया है कि 10% की वृद्धि और 10% की कमी। तो अभी जस्ट क्वेश्चन किया है, उसका फाइनल रिजल्ट आया था 1% की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन,
किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी, फिर 20% की वृद्धि हो जाए, तो पुस्तक के मूल्य में आखिरकार वहां से कितना परिवर्तन आएगा? तो बच्चे एक बात बताइए, 20% की यहां एक बार तो हो रही है कमी और एक बार 20% की हो रही है वृद्धि, ये दो चीज है, इसका हिस्सा बनेगा 1/4, इसका बनेगा 1/5, दोनों का यूज करेंगे, पहला और ये दूसरा, ठीक है। अगर एक संख्या 4 है और उसमें एक की कमी होगी तो वो संख्या क्या कहलाएगी? 3। तो 1/4 तो दूसरा क्या कहलाएगा बेटा? 3 कहलाएगा। अगर एक संख्या 5 और उसमें अगर एक बढ़ जाए तो वो हो जाएगी 6। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये 20 और ये क्या हो गया? 18। तो बेटा 20 से 18 होने में उसमें कितने की कमी आई? सर 2 की कमी। किस पर आई? सर 20 पर। परसेंट बनाने के लिए 2 से गुणा, 2 से 2 0 से 0, आखिरकार आंसर कितना परसेंट आया? सर 10% आया। क्या इस प्रकार के क्वेश्चनों को पलक झपकते नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे क्या आप? बस मैं जो आपको प्रोसेस बता रहा हूं उस डिजिटल पद्धति से, उस तरीके से आप इनको करिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन का रुख करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है इस प्रकार से, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 है, पहले मूल्य में 20% इंक्रीज किया गया, बाद में उसमें 20% कम किया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वास्तविकता, तो इस क्वेश्चन को देखो कई तरीके से कर सकते हो, कि मैंने 75 ले लिया, ठीक है, और इसमें डायरेक्टली मैंने 2 बार यहां मार्क कर लिए मल्टीप्लाई में, एक बार 20% वृद्धि कर दिया, तो 100 में 20 जोड़ो बेटा 120। सर एक बार उसमें क्या हुआ? 20% की कमी, तो 100 में से 20 घटाओ 80। अब ये परसेंट है तो इसका 100 नीचे आएगा, इसका भी 100 नीचे आएगा। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे 25 + 75, 25 × 100, 4 × 8, 12 × 36, 2 × 72, आंसर आपका 72 आ गया, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से करते हो प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको बताया था अभी, एक बार 20% पॉजिटिव, एक बार 20% नेगेटिव है, ये दो बातें हैं, इनका हिस्सा बनेगा 1/5। तो अगर एक बार पॉजिटिव वृद्धि हुआ है तो ये पहला और ये दूसरा, अगर एक बारी 5 है तो दूसरी बारी 6 होगा, दूसरी बार कम हुआ है तो एक बार 5 है दूसरी बार 4 होगा, मल्टीप्लाई करो, ये 25 आएगा और ये 24 आएगा। क्या आप यहां तक सेटिस्फाई हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। वस्तु का मूल्य था कितना? सर 75 था, तो फर्स्ट में यहां मूल्य कितना था? सर 25, तो 25 75 को रिप्रेजेंट करता है, 25 75 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 का मतलब 3 आएगा, और 3 का मतलब, सॉरी 1 का मतलब 3 आएगा, तो 24 का मतलब आएगा 72, क्योंकि आप 3 से गुणा कर देना, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। कहां प्रॉब्लम आ रही है? वक्त बदलते समय नहीं लगता, और क्वेश्चन को होते हुए भी समय नहीं लगता, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर होता क्या है, समय की कहीं ना कहीं कमी होती है, अभाव होता है, और उसी अभाव में हम कहीं ना कहीं कुंठित हो जाते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन आपका हो चुका है, 35 के बाद 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अब इसे सॉल्व करिएगा दोस्तों। देखिए कि दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं, ए का 5%, बी के 4% का योग, ओहो कितना अच्छा, प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है, कि ए का मतलब मल्टीप्लाई, 5% की बात कर रहा है, 1/20 बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल सही है। बी के 4%, इसे 4% को क्या बोल सकता हूं? सर 1/25, तो 1/20 प्लस बी का 4%, तो बी इंटू 1/25 का योग हो गया जी, इक्वल टू है किसके इक्वल टू? ए के 6%, तो 3/50 आगे चलो जी, फिर है बी के 8% के बराबर प्लस बी इंटू, तो 2/25। अब ये कह रहा है कि इसका योग, इसके योग का 2/3 है, इसके योग का ये 2/3 है। देखो कितना प्यारी प्यारी बातें बोल रहा है, बच्चा नींद ले जाएगा इस सवाल के अंदर। क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया है कि ए का 5%, ओके 5%, बी का 4%, 4% का योग, एडिशन मार्क, ए के 6%, 6%,
दो से काट दिया तीन बार, 50 बार 3/50, बी के 8% तो बी, 4 × 8 = 25, तो यहां आपका 2/25 के योग का, इसके योग का ये दो तिहाई है, ये दो तिहाई है, ठीक है। बीच में क्या है, बराबर। जब इक्वल टू मार्क हो तो याद रहे इधर तो आएगा 2 और इधर आएगा 3, ऐसे याद करना है, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन काश तुम्हें बार बार मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाए। प्यारे बच्चों अब इसे सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट करेंगे तो इसका तरीका क्या हो सकता है, एक काम करो यहां से कोई भी एलसीएम एक ले लो, 100 ले लो माना कि, या फिर एक काम करो 1/1 ले लो, इसका 50 ले लो, इसका जब तुम 50 लेने वाले हो, सॉरी 100 लेने वाले हो, तो 20 × 100 तो 5 बार आएगा, 5a हो जाएगा, 5a + 25 = 100, 4b हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है आपके पास, सर 100 है और भार कौन है, सर 3 है, ओके। इधर आइए, इधर अगर मैं बात करता हूं तो फिर वही सौ आएगा, 50 × 100 = 3 × 6 + 25 = 100, 4 × 8 = 8b, ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है, सर 2 है। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, इस 3 का मल्टीप्लाई इससे और इससे कर दो, ये 100 से 100 कट कर दो, ठीक है। 5 × 3 = 15a, 6 × 2 = 12a, तो ये 3a हो जाएगा, ठीक है। और अब 4 × 3 = 12b, 8 × 2 = 16b, तो यहां 4b हो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन आ गई तो a का वैल्यू इनवर्स कितना है, 4, और b का वैल्यू सर कितना है, 3। a और b का वैल्यू आ चुका है, और यहां से जो पूछ रहा है सर a और b का रेशियो पूछ रहा है, तो ab का रेशियो यू विल गेट 4:3, आंसर इज द करेक्ट, और आपकी स्क्रीन पर आंसर भी आ चुका है। देख लो कितना कम समय लग रहा है आंसर को निकालने में। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे करेंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब सॉल्व हो गया। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अच्छा लगा, उम्मीद करता हूं पसंद भी आया होगा, क्वेश्चन को पसंद करना भी तो आना चाहिए भाई, ऐसा ही थोड़ी है, क्वेश्चन के अंदर मजा आता नहीं है, मजा लेना पड़ता है, और मजा लेने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी का 60% बराबर है, तो पहले तो एक काम करो, ये 40% और ये 60% इनको काट के इनका हिस्सा बनाओ, 2/5 और 3/5, ठीक है। प्यारे बच्चों छोटी संख्या, अब छोटी माना कि x थी तो x का तो 2/5, और बड़ी माना कि y थी तो y का 3/5, 5 से 5 कट हो गया, तो x का वैल्यू इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू सर 2 आ गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब बराबर था तो बराबर लगाया, यदि इन संख्याओं का योग 150 है, कहने का मतलब 3 और 2 का जो एडिशन है वो कितना है सर, 5, 5 का रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो 5 रिप्रेजेंट जब 150 को करता है, जब 5 का मतलब 150 है तो 1 का मतलब कितना होगा सर, 30 होगा, और 1 का मतलब 30 होगा, तो 3 का मतलब कितना, 90, 2 का मतलब 60, तो बोलो आंसर क्या पूछ रहा है सर, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यू विल गेट आंसर इज 90 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलिए हाँ या ना, मामला क्लियर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप जोश के साथ करिएगा और वो थॉट आपके अंदर आने लगेगा जो मैं यहां से सोच पा रहा हूं, क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, लेकिन वो बेहतर साबित तभी होगा जब उस क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन अगला इस प्रकार से है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा गया तो प्राप्त उत्तर की संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करें। देखो कितना अच्छा बोला यार, क्वेश्चन ऐसा हो नहीं तो हो ही नहीं, कि जब किसी संख्या के 75% में, संख्या ये थी माना कि, ठीक है, इसका 75% 3/4 बोल दो भैया, मैं कितना जोड़ा सर 75 जोड़ा, ठीक है, तो प्राप्त उत्तर की संख्या है, संख्या का मतलब जो फर्स्ट में मानी है, माना कि x ही मानी थी, ठीक है, 3/4x ये x है, इसमें से घटाओगे ये 3/4x इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, x/4 रिसीव हो जाएगा, x/4, और प्यारे बच्चों इधर 75 है अपॉन 1 है, तो क्रॉस गुणा करने पर कि आप x का वैल्यू
150 दूनी 300 रिसीव नहीं करोगे, करेंगे ना। और एक्स का कितना परसेंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, सर 40% क्या होगा, और 40 का मतलब 2/5 होता है, 40 का मतलब 2/5 होता है कि नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों इसका 2/5 कितना होगा, सर 120 होगा, 120 बस यही तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन का ऐसे ऑपरेशन कर दो बिल्कुल 1/1 उसका पता ना लगे, टुकड़े में से भी टुकड़ा, और फिर देखना मजा आएगा और सिलेक्शन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर लेके आइए, अगले क्वेश्चन पर लेके आइए भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 520 है, बड़ी संख्या 4% कम कर दी जाए, छोटी बढ़ा दी जाए, प्राप्त तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाएंगी। देखो भैया यहां पर बड़ी का छोटी का हमें कोई पता नहीं है, बड़ी कौन सी थी छोटी कौन सी थी, एक तो मान लिया x और एक मान लिया y, ठीक है, बड़ी इसको मान लो छोटी इसको मान लो। अब वो बोल रहा है कि इसमें बड़ी में 4% कम कर दें, तो मल्टीप्लाई, जब 100 में 4 कम करोगे तो 96% तो वो हो ही गई, ठीक है, बिल्कुल सही है। जब छोटी में 12 बढ़ गया तो उसमें कितना, 100 में कितना बढ़ गया 12, तो वो 112% हो गई, तो अपॉन क्या आ गया 100, और बीच में क्या है, तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तो बीच में बराबर लग गया। देखो मजा आएगा काटने में, ठीक है, कट गया, ऐसे काटने में इतना मजा लीजिए कि बिल्कुल तल्लीन हो जाए। 4 × 8 = 16, 4 × 8 = 32, 2 × 14 और 4 × 7 और 4 × 6 आखिरकार x उधर गया तो x बराबर 7 आया, तो y बराबर कितना आया बेटा, 6 आया। ठीक है, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, यदि दोनों संख्याओं का एडिशन मार कितना है 520। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या y, यदि इन दोनों का ऐड करूं तो कितना आएगा सर, 13 आएगा, 13, और 13 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, 520 को, तो ये आप जानते ही हो प्यारे बच्चों, इन दोनों का योग 13 है और वास्तविक योग 520 है, तो 13 का मतलब 520 है, 13 520 को रिप्रेजेंट करता है, तो एक को रिप्रेजेंट करने वाला कौन होगा भाई, एक का मतलब 13 का भाग लगाओ इसमें, 13 × 52 कितना आएगा, 40 आएगा, तो एक का मतलब 40 होगा, जब एक का मतलब 40 होगा तो उसे गुणा 7 से करो, 700 × 28 वो 280 आएगा, ठीक है, और 40 का गुणा इससे करो 240 होगा। अब वो पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी 280 है कि 240 है, सर आपको पता है 240 छोटी होगी, यही तुम्हारा आंसर होगा। बोलिए हाँ है ना, अगर अच्छा पसंद आ रहा हो ना तो बस क्लास को लगातार देखिए, और पूरा जब तक देखिए जब तक पूरा क्लास एंड ना हो, ठीक है, चलो आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। 40 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार है, 40 नंबर के क्वेश्चन में भी मजा आ रहा है। देखो, यदि किसी संख्या का 3/4 का 4/5 का 40% 48 है, प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कोई संख्या माना कि मैंने x मान ली, इसका 3/4 क्या कहलाएगा, 3/4 से गुणा, का 4/5 क्या कहलाएगा, गुणा 4/5, फिर का 40% काटो, बेहुदे को काटो, ध्यान से देखो 40% का मतलब 2/5, तो मल्टीप्लाई 2/5, प्यारे बच्चों 48 है, वो यूं कह रहा है इसका कैलकुलेशन पार्ट 48 के बराबर है, ऐसा कह रहा है यार, और ऐसा जब कह देता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, ठीक है, और इसका पूरा मजा लीजिए, कैसे 4×4 खत्म, 3×2 = 6 होता है, 6 ये 8 बार काट देता है, तो अब गुणा कर लीजिए, 5×5 = 25, 8×2 = 200, एक्स बराबर कितना आ रहा है सर, 200 आ रहा है, तो उसी संख्या का 1% क्या होगा, संख्या क्या थी सर 200, 200 का कौन सा परसेंट सर 1%, तो 200 का 1%, जब 100 का 1% की बात करूं तो 1 होता है, और 200 का 1% की बात करूं तो क्या होगा सर, 2 होगा, तो यहां से इसका 1% का मतलब, कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे हैं जो कि ऐसे करो मास्टर जी, ऐसे भी कर लो, तुम्हारे दिमाग पर गर्मी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए किस प्रकार से है, क्वेश्चन यह है चीनी के भाव में, देखो भैया चीनी खरीदी जा रही है आजकल, चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से
कोई आदमी 360 रुपए में इतना किलोग्राम चीनी अधिक खरीद के ला सकता है, तो चीनी का आरंभिक भाव क्या था? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन मजेदार भी है, जानदार भी है और शानदार भी है। चलिए इसको हम बात करते हैं इसी की भाषा में। 25% का मतलब क्या 1/4 नहीं होता? होता है। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक यदि चार है तो कमी हो रही है, तो दूसरा क्या होगा सर? 3 होगा, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो अधिक ला रहा है, तो इनका डिफरेंट कितना है सर? 1 है। और 1 डिफरेंट किसे? 7.5 को रिप्रेजेंट करता है, 7.5 को रिप्रेजेंट करता है। चलो बताओ, जब 1 का मतलब 7.5 है तो 4 का मतलब क्या होगा सर? 30 होगा। अगर 1 का मतलब 7.5 है तो 3 का मतलब क्या होगा? 7 × 21 साढ़े बाईस होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये बात बोल दूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्वेश्चन, कितना मजा आएगा। क्या 360 रुपए में, प्यारे बच्चों, 360 रुपए में तुम 30 किलो लाते हो, तो 1 किलो कितने में लाओगे? 1 किलो कितने में लाओगे? तो सर तुरंत बता दोगे, 1 केजी का भाव 360 बटे 30 करोगे तो 3 से कितना सर? 12 रुपया प्रति किलोग्राम का दर आएगा। सर इधर आ जाओ, इधर आपको 360 रुपए में 22.5 किलो आ रहा है, तो 1 किलो का भाव 22.5 का भाग लगाओगे, सर 0 ऊपर चला गया। 25 से काट दो या 9 से काट दो, 9 × 18 = 45, 9 × 36, 25 से काटोगे, 25 से कम 25 × 150, तो 16 रुपया पर केजी। बोलिए हाँ है ना? अरे एक भाव तो आ गया तुम्हारा 12 और दूसरा आ गया तुम्हारा 16। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, तुमने ये आखिरकार क्या कर दिया? प्यारे बच्चों, इस प्रकार का जब क्वेश्चन होता है तो कुछ कुछ करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा ये क्वेश्चन नहीं है। मैंने ये समझाया कि अगर एक बार 4 था तो कमी हो रही है, 4 में से गया तो 3 दूसरी बार, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंट कितना आया? 1 आया। डिफरेंट डिफरेंट को रिप्रेजेंट करेगा, अंतर अंतर को रिप्रेजेंट करेगा। 1 का मतलब 7.5 है तो 4 का मतलब 30 और 3 का मतलब कितना? 22.5। ऐसे मानो कि वो 30 किलो चीनी लाया और यहां से 22.5 किलो चीनी लाया। जब कमी भाव में नहीं हुई थी तब 30 किलो ला रहा था, जब भाव गिर गया तो कितना लाने लग गया? 22.5 लाने लग गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, पैसा उसके पास 360 रुपया है, 360 में 30 किलो लाना है, 360 में 30 किलो लाना है तो 1 किलो 12 का लाएगा, और 360 में जब 22.5 किलो लाना है तो 1 किलो की दर आएगी 16 रुपया प्रति किलोग्राम। तो वो ये कह रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य क्या था? तो एक मूल्य तो था 12, आरंभिक मूल्य 16 था, और जब कम हुआ तो यहां से क्या हो गया सर? 12 हो गया। तो आरंभिक मूल्य क्या था? 16। आंसर क्या होगा? 16। मैंने दोनों मूल्य बता चुका हूं बच्चे, आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए जस्ट पिछला क्वेश्चन हमने देखा, सेम उसी पैटर्न पर है, लेकिन हम इसे समझाएंगे। 50% वृद्धि हो रही है तो 1/2 बोलेंगे इसे, ये पहला और ये दूसरा। अगर 1 2 है तो दूसरा क्या होगा? जब 1 की वृद्धि हो रही है तो 2 × 1 = 3 होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो ये कम का मतलब अंतर, तो 2 और 3 का अंतर कितना? 1। 1 का मतलब कितना? 4। अगर प्यारे बच्चों वो 1 का मतलब 4 तो 2 का मतलब कितना? 8 अंडे, ठीक है। और यहां जब 1 का मतलब 4 तो इसका मतलब 12 अंडे, ठीक है। एक बात मुझे बताओ, बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी, कि जब वो यहां से वृद्धि कर रहा है तो 24 रुपए में ला रहा है ना, तो ऐसे समझो ना यार कि 24 रुपए में जब वो 8 अंडे ला रहा है, जब 8 अंडे ला रहा है तो यहां से रुपए का उसका जो कॉस्ट था वो 1 का क्या कॉस्ट रहा होगा? तो यहां से 8 का भाग लगा दो ना, 3 रुपए पर अंडे, ठीक है। 3 रुपए पर अंडे की कॉस्ट थी। अगर यहां 24 रुपए में वो 12 अंडे ला रहा है तो 1 की कॉस्ट क्या आएगी? सर 12 का भाग लगा दो, 2 रुपए प्रति अंडे, 2 रुपए प्रति अंडे। कहने का मतलब ये हुआ, सर ये बताइए
क्या ये कॉस्ट बड़ी है? बड़ी है। तो पहले वाली जो दर थी वो तो थी 2 रुपए प्रति अंडे, अब जब भाव बढ़ गया तो क्या आ गई सर 3 रुपए प्रति अंडे, 3 रुपए प्रति अंडे। लेकिन वो पूछ रहा है प्रति दर्जन अंडों का भाव क्या होगा, जब 2 रुपये में एक अंडा आएगा तो 12 अंडे कितने में आएंगे रे पप्पू, 24 रुपए में आएंगे ना। जब एक अंडा 12 का आएगा, सॉरी एक अंडा 3 रुपए का आएगा तो 12 कितने के आएंगे, 36 के आएंगे। तो आंसर क्या होगा सर, 36 होगा। बस इस क्वेश्चन में यही चीज एक्स्ट्रा दे दी जिसको आप आसानी से समझ पा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है रे, देखो तो सही, तुम प्यार से देखोगे तो क्या नहीं हो सकता, बस तुम्हारी नजर एक प्यार की होनी चाहिए, देखिए मजा आएगा। प्यारे बच्चों, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य में 10% दर से हास होता है, हास का मतलब कमी होती है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है 729, तो तीन वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, या 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा। प्यारे बच्चों, यहां जो एक वर्ड हट चुका है उसको आप पूर्ण कर सकते हो कि 3 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। मैं आपको क्या समझाता हूं, ध्यान से समझना, मैं आपको 2 चीजें समझाऊंगा और दोनों में जो आपको अच्छी लगे ना, प्यारी लगे, अब प्यारी का मतलब तो कुछ बहुत कुछ समझ लेते हो तुम, ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे उसको आप समझना और घटिया लगे उसको छोड़ देना, ठीक है। एक बात बताओ, ये 10% का हिस्सा क्या 110 होगा क्या सर, होगा। जब कमी होती है तो इसका रेशियो क्या बनेगा सर, 1:10 होगा तो दूसरा क्या होगा 9, ठीक है। एक बात बताओ, ऐसा काम कितनी बार होगा, 3 वर्ष तक होगा, 10 9 10 9, मजा आएगा मल्टीप्लाई करने में, 9 9 81 9 729, इधर क्या आएगा बच्चे 1000। इसका मतलब यह हुआ कि उधर ध्यान से देखो, क्या ये 729 ही है क्या, बिल्कुल सही है। जब इसका मूल्य 729 था तो ये किससे हुआ है सर, ये 1000 से हुआ है। आपका फाइनल आंसर क्या है 1000, यानी कि 3 वर्ष पहले इसका मूल्य इतना था और 3 वर्ष में कमी होते होते इतना हो गया, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो एक बात तो वो पूछेगा पहले वाली और एक पूछेगा वो बाद वाली, तो बाद वाली के लिए 100 नीचे लगाना और पहले वाले के लिए 100 ऊपर लगाना, ये ऊपर नीचे का खेल है ना, इसको समझ लेना। अगर पहले वाली पूछे तो 100 ऊपर आएगा, बाद वाली पूछे तो 100 कहां आएगा, नीचे आएगा। आपसे क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले वाली, इसमें पहले शब्द जोड़ देना। यहां प्यारे बच्चों 729 को लिया, ठीक है, कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की, तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है पहले की, तो 100 कहां आएगा, ऊपर आएगा, और कितनी बार आएगा सर, 3 बार आएगा। जब 10% की कमी, जब प्रतिशत में कमी होती है तो 100 में से घटा दो, और प्रतिशत की वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दो। कमी हो रही है तो 100 में से 10 घटा दो 90 को कितनी बारी लिखोगे सर, 3 बारी लिखेंगे। अगर परसेंट या अलग अलग होते तो अलग अलग प्रतिशत 100 में से घटाना होता, ठीक है। देखिए 1 2 और 3, 3 जीरो कट गई, 9 9 81 नाम 729, आपके पास बचा 000, यही आपका फाइनल आंसर है। यानी कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपके सामने मैंने 2 चीजें रखी है, इनमें से जो आपको इंटरेस्टिंग मोड की लगे, जिससे आप कम समय में सॉर्ट आउट कर सको, जो आपको अच्छा लगे उससे आप करना। चलो आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना मजेदार आ रहा है, अब देखो पूरा मजा आएगा क्वेश्चन के साथ, क्योंकि आपने पढ़ा है और हमने आपको पढ़ाया है, ऐसा क्वेश्चन जो आ रहा है। चलिए देखिए, एक स्कूल में छात्रों की संख्या हर एकांतर वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि और कमी हो रही है। इसका मतलब देखो प्यारे बच्चों, एक बार अगर 10% की वृद्धि होती है तो दूसरी बारी 10% की क्या हो रही है, कमी, फिर 10% की वृद्धि, फिर 10% की कमी, ऐसा काम चल रहा है। लेकिन ये कब तक चल रहा है,
2003 की तुलना में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई? तीन वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई? तो 2000 की तुलना में 2003 में कितनी हुई, वृद्धि हुई अथवा कमी हुई? भाई आज अगर 2000 चल रही है तो वो 2003 की बात कर रहा है, तो वो तीन साल बाद की बात कर रहा है। अच्छा जी, देखो तो भैया, आप लोग इतने समझदार हो, आपको कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है। 1, 2 और ये 3, चौथे को हटा दो, ठीक है। एक बार पॉजिटिव होगा तो हिस्सा 1/10 होगा ना, इसका 1/10 होगा ना, तो एक और ये दूसरा। चलो बताओ, 1 10 होगा तो दूसरा क्या होगा? सर 11। दूसरी बार 1 10 होगा तो दूसरा क्या होगा? सर 9 होगा। तीसरी बारी वृद्धि होगा, 10 होगा तो क्या होगा? सर 11 होगा। बेटा इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ बोझा नहीं ढोना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 11 × 9 = 99 × 11 = 9 जोड़ो 108, ठीक है। यहां 1000 हो गया। आखिरकार कितना परसेंट बढ़ गया? तो 1000 से कितना बढ़ गया? सर 1089 बढ़ गया। तो मैं इसे डायरेक्ट परसेंट नहीं बोल सकता क्या? कि बोल सकते हैं, लेकिन इसमें 1000 100 पर तो परसेंटेज डायरेक्ट दिखाते, 10 बढ़ रहा है तो इसको पॉइंट लगा सकते हो, या फिर इसमें ऐसे कर सकते हो, सर जब 89 बढ़ गया 1000 पे तो परसेंट बढ़ाने के लिए 100, 2 0 कट गई, अब तो आप लगाओगे। सर बिल्कुल सही है, सर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और मैंने जितने क्वेश्चन आपको समझाए उन क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।